अरे एक चीज तो भाई तुमको है ना बताना ही भूल गया, और तुम्हारी एकदम है ना जो तुम है ना बहुत दिनों से वेट कर रहे थे ना वो चीज घर पे आके पड़े वाली है। कौन सी? तो कल ही आए, मैं तुमको बताया नहीं, मेरा ध्यान में नहीं रहा, अभी घर पे चलो तुमको देता हूँ एक सरप्राइज। तो अभी है ना मेरी नानी मामा दोनों जा रहे हैं माजलगांव हमको घर पर छोड़कर, क्योंकि है ना नानी का बैंक का कुछ काम है तो माजलगांव जाना पड़ रहा है। चलो नीचे चलते हैं, नानी को बाय बाय बोलते हैं। बाय रवि, आई लव यू। हेलो करिए, मुझे कुला चांगला सांभाळा। हां जल्दी आना नानी। मी पण चांगला रहा, आजची कुला चांगला सांभाळा। हां आजची कुवर देखो मेरी मम्मी। मम्मी आप भी जा रहे हो? भाई मम्मी मैं भी नहीं जा रही हूँ। जाओ जल्दी अच्छे से, और गाड़ी में ही जा रहे हैं। बाय मामा। बाय, पहुंचने के बाद फोन करना। टाटा। देखो हमारा ची बेबी कैसे सो रहा है, उसको तो पता भी नहीं कि नानी चली गई है माजलगांव। वाओ मम्मी ने देखो आज पोहे, फिर उसके बाद में दूध दिया है मुझे आज। अच्छा स्किप और दूध पिएंगे आज से। चलो देखो हमारी ची बेबी ने तो पहले ही नाश्ता कर लिया। मम्मी बहुत जबरदस्त हुए हैं पोहे। हाँ आप भी खाओ ना मेरे साथ। देखो हम्बा का आवाज आया कि चिक्कू उठ के भाग गया। मेरी गैया है ना अभी किधर दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ना मैं मेरी गैया का इधर है ना बालकनी में खड़े रह के वेट कर रहा। वेट कहाँ है चिक्कू हम्बा? जैसे जैसे ये धूप बढ़ते जा रही ना वैसे इधर की घास कम हो रही, तो गैया ने भी ना इधर आना बंद कर दिया अभी। ए दीदी तू है ना अभी मेरे हाथ से पोहे खा। अरे तेरी ये पोहे गिर गए, ये तेरे बाल में फंसे ये पोहे। सबसे पहले क्या करना है, ये तेरा फोटो है ना, इसको पोछना है, और ये दीवारें भी पोछनी है, बाहर की फोटो और दीवारें, अंदर के बेड के ऊपर का पोछना है, इधर के भी बेड के ऊपर का पोछा मारना है ऊपर से, और कबर्ड भी पोछने हैं, सब फर्नीचर पोछना है, ये सब तेरा काम है। ठीक है चलेगा, ये टीवी यूनिट भी ना। हाँ सभी। हाँ आजा हेल्प कर दीदी को। आजा, क्या हेल्प करेगा बता, सुना के तूने क्या क्या करने का है? ये सब दीदी के फोटोज पोछने के है, इधर की भी दीवारें पोछने के, बाहर की। ठीक है मालकिन। मेरी बात सुन, हम है ना काम आधा आधा बांटेंगे, ठीक है चलेगा ना? ये टीवी यूनिट, ये फोटो तू पोछेगा, ठीक है? हाँ। और बाकी का तेरे रूम का तू पोछा करेगा, समझा? बाकी का तू मेरे रूम का पोछा करेगी। देखो मम्मी ने तो लाके भी दे दिया। चलो जल्दी से लग जाओ काम पे, जल्दी इसमें नैपकिन है। लगो पहले बच्चे, तू लग काम पे, बाद में मैं लगूंगी। ये कैसा है कपड़ा है? अरे उसको गीला करके पोछने गए। ठीक से पोछा मार, देख रही मैं। यार ये दोनों मेरा काम बना रहे हैं ना दोनों, तुम दोनों। और क्या है ना, नानी और मामा दोनों घर पर नहीं है ना, तो हमको घर में ना बहुत सुना सुना लग रहा है, इसीलिए हम है ना काम करके है ना हमारा टाइम स्पेंड करेंगे। ये काम करेगा, चलो इसको अनबॉक्स करेंगे। आ जाइए ले दीदी, तो कुछ काम भी नहीं कर रही तू है ना अभी अनबॉक्सिंग के लिए बैठ गए वाली है। ये ले पोछा मार। चिक्कू मेरे को मार रहा है। मेरा ही कुछ है। खोलो इसको। खोल ले। कुछ समझ तो नहीं आ रहा है क्या इसमें, एकदम छोटू सा है ना ये। थी तूने YouTube की टी-शर्ट? अरे मेरे को YouTube की कब से एक YouTube की टी-शर्ट चाहिए थी। अच्छा तूने मंगाई है? मैंने ही मंगाई। ये देखो ये कृष्णा ने है ना उसके लिए ये YouTube की टी-शर्ट मंगाई है, अच्छी है ना, बताओ आप भी कमेंट्स में। देखो हमारे बेडरूम में ना टीवी लग गई है ना, तो सबसे ज्यादा वो टीवी का यूज है ना पप्पा ही कर रहे हैं। मैंने सोचा था हम मस्त है ना दोपहर को सीरियल वगैरह देखा करेंगे, लेकिन
लेकिन ये देखो पापा को, देखो क्या देख रहे हो आप, ये नई वेब सीरीज आई है ना अभी सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये देख रहे हैं पापा। ये क्या पहन लिया तूने? उसने यूट्यूब का टी शर्ट मंगाया उसके लिए, दिखा फिट अच्छा आया क्या। ये क्या कर रही है तू? अब मैं ये फोटो पोंछ रही हूँ, तूने कुछ भी अच्छे से फोटो नहीं पोंछी, देखो पूरा पानी फोटो पे ही लगा हुआ है। अब देख मैं कैसे फोटो पोंछती हूँ, समझा ना तू? हाँ समझा, तेरी तरह नहीं है मैं। देखो अभी मैं ये फोटो को ना कैसे चकाचक साफ करती हूँ, एकदम चमकेगा ये फोटो हीरे के जैसे। देखो फोटो तो साफ हो गई है, अभी ना मुझे ये दीवार भी साफ करनी है क्योंकि मम्मी ने बोला इस साइड की और इस साइड की दीवारें ना कपड़े से ही साफ करना। आज तू क्या बनने वाला है? कैमरामैन बनने वाला है। ठीक है जाओ। देखो दीवार के साथ साथ है ना ये भी, मैं ये जो पौधा यहाँ पे लगा हुआ है ना ये भी पोछूंगी। ये ना आर्टिफिशियल है लेकिन है ना इसको पोछने के बाद में ना ये एकदम रियल के जैसे लगता है। रुको मैं दिखाती हूँ आपको। देखा कितने अच्छे से मैंने इसको चकाचक कर दिया मम्मी, देखो एकदम रियल लग रहा है वो, रियल। आओ आओ शाबाशी तो देनी पड़ेगी ना आपको। वाओ देखो मम्मी की रोटी कितनी फूलती है, मेरी इतनी फूल जाए तो मैं 2 दिन तक बताती रहूं सबको। कैसे लग रहा है बताओ ना? अभी बहुत अच्छा लग रहा है, साफ साफ लग रहा है ना। और ये देखो नहीं यार, ये टीवी यूनिट खाली खाली लग रहा है ना, इस पे ना हमें बहुत सारे डेकोरेशन का सामान लाना था लेकिन चिक्कू रखता ही नहीं है बिल्कुल भी। ये भी बड़ा मुश्किल से लगाया है यहाँ पे ये 2 फ्लावर पॉट, नहीं तो ये भी निकाल के फेंक देता है। देखो टीवी यूनिट भी है ना मैंने एकदम अच्छे से साफ कर दिया, आप लोग बताओ कितना अच्छा लग रहा है नहीं है? और यहाँ पर ना मैंने वो जो ग्रीन वाला पौधा है ना वो भी रख दिया है, अच्छा लग रहा है ना इसे। तो मुझे है ना अभी चौक को खाना देने जाना है, और कृष्णा मेरी बात सुन, तू भी चलेगा मेरे साथ है चौक को खाना देने के लिए, ठीक है? मैं दे देता। तू अकेला जाता? तू चलेगी मेरे साथ? हाँ तो फिर ऐसे बोलना, क्या है मामा रहता है ना तो मामा ही चौक को खाना देता है, आज मुझे जाना पड़ेगा खाना देने। So, अब मैं आप सबको बताती हूँ कि हम है ना चौक को खाने में क्या क्या देते हैं। देखो हम है ना खाना अलग अलग देते हैं, एक ही नहीं रहता है। कभी हम है ना चावल में ना दही और ये अंडा मिक्स करके देते हैं, कभी रोटी में दही और अंडा मिक्स करके देते हैं, और हफ्ते में से है ना 2 से 3 बार हम है ना उसको चिकन खिलाते हैं क्योंकि है ना वो प्रोटीन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं ठहरी फुल वेजिटेरियन, अभी मुझे ये अंडा मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि मम्मी ने मेरे को काम दिया है तो करना तो पड़ेगा। चलो तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये देखो चौक के लिए ना अलग से दूसरा वाला जो दही होता है ना एकदम खट्टा वाला दही वो उसको चाहिए होता है क्योंकि है ना उसको मीठा वाला दही अच्छा नहीं लगता। देखा कितना डिमांडेड है हमारा चौक। और मम्मी ने ना चावल में ना ये देखो इसमें ना बॉइल्ड वो होते हैं ना पोटैटो वो भी डाल दिया है क्योंकि है ना चौक को है ना आलू भी बहुत पसंद है। देखो अभी दही है ना इसे चावल में मिक्स करना होता है ताकि है ना ठंडा ठंडा लगे, और दही भी खत्म हो गया यार, दही भी लाना पड़ेगा। देखो दही तो मैंने मिक्स कर दिया, अभी मुझे ये अंडा फोड़ना पड़ रहा है, वैसे ये बॉइल्ड है क्या, हम बॉइल्ड एग ही देते हैं चौक को यार। चलो ठीक है अभी चौक के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, नहीं तो फिर मम्मी मेरे को बोलेगी कि तूने ही बोला था ना चौक को लाने के लिए तो खाना तो देना पड़ेगा ना। तो कृष्णा चल हो गया इसका खाना रेडी, इसको भी हाथों से मैश करना पड़ेगा। तो मैंने ना फेस को इसलिए ऐसे पूरा ढक दिया है क्योंकि है ना बाहर जा रहे हैं तो है ना बिल्कुल भी धूप नहीं लगने देनी है फेस को। मम्मी मैं जा रही हूँ चौक को खाना देने, चलो जल्दी से फेस ढक कर चलो। यार देखो ना यहाँ पे 11 बजे कितनी धूप हो जाती है। मैंने ये खाना है ना कृष्णा को दे दिया, मैंने बोला तू पकड़ खाना मैं अपना फेस बचाती हूँ, पहले देख लेने दे चौक किस साइड है। चौप चौप आवाज देना तू भी चौप ए चौपड़ी।
चल के देखे क्या, लॉक लगा हुआ है। लेकिन आ गया चॉप चुपड़ा, चल रखा। आप पूछ रहे थे ना चॉप को ऐसे प्लॉट पे क्यों रखा है? चीकू बेबी की वजह से, क्योंकि चीकू बेबी अभी बहुत छोटा है एंड चॉप चीकू बेबी के सामने बहुत बड़ा है और 6 महीने तक चॉप को घर में नहीं ला सकते। और वैसे भी रॉटवेलर को ओपन स्पेस चाहिए होता है भाग दौड़ करने के लिए। ए चौपड़े, देखो हमारा चॉप खाना खा रहा है। चॉप पतीले में का खा रहे? तो चॉप खाना खा रहा है, पतीला मैंने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि शाम को जब मैं वो ताले की चाबी लेके आऊंगी ना तब लेके जाएंगे पतीला। चल बच्चे भाग, अभी बहुत धूप है यहाँ पे। पता नहीं यार पापा क्या सरप्राइज देने वाला है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पापा को बोला बताओ तो बताया भी नहीं। चल ठीक है, घर तो आ गया, हम अब बता देंगे पापा। और एक पापा आ रहे, और एक पप्पे देना पापा सरप्राइज। हाँ रुक, दे जल्दी आओ, मेरे से रामी जा रहा हूँ, पता नहीं क्या सरप्राइज है। अरे उधर रूम में ही है। कब लाएंगे पापा मेरा सरप्राइज पता नहीं। वाह दिखाओ। बर्थडे एल्बम है। बर्थडे एल्बम, चलो अभी अपन सब इसको देखेंगे। कितनी अच्छी पैकिंग है देख इसकी। वाव। कितना मस्त है ये। पापा जब है ना ये फोटो अपन है ना लैपटॉप से भी देख सकते, तो ये फोटो एल्बम बनाने की क्या जरूरत है। फालतू बैठा करता करे। पेश है कावे और चीकू की बर्थडे एल्बम। चलो जल्दी से देखो इसमें। क्या है बच्चे ये? पर पीछे भी फोटो है। पहला फोटो देखने दो कौन सा है। पहला फोटो कितना अच्छा फोटो है, देखो ये देख। पहला फोटो मेरे साथ में ठीक है पापा, दूसरा मेरे साथ। फोटो देख, सेकंड फोटो अच्छा है, दिखाओ। ये देखिए तीनों का, ये एंट्री के टाइम का फोटो है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये एंट्री वाला फोटो, है ना गर्ल्स? बताओ तो। और ये भी देखो एंट्री के टाइम पे। हां पापा आप कितने खुश नजर आ रहे हो। अरे मेरे दो दो बच्चों का बर्थडे, खुश नहीं तो क्या रहूंगा मैं। हां और ये देखो मिकी माउस और डोरेमोन। डोरेमोन की आंखें देखो। हां जी, कहां है तू इसमें? पापा अभी दो चार पेज पलटा उसके बाद में मैं भी है उसके अंदर। वाओ दिखाओ इधर। ये देखो ये जो गर्ल ली थी ना मैंने फायर वाली, सब पर और ची भी है इसमें, चिकू बेबी, कृष्णा भी है इसमें, लेकिन उधर देख रहा था। क्यों रहा है? उधर देख रहा था वो फायर को देख रहा था, इसमें भी फायर के पास देख रहा है। क्या बच्चे हैं। हां ए बेटा मोड़ नानी। हां ए नानी का मेरा फोटो देखो कितना अच्छा है। हां आई 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 इसमें भी एक कैमरे की तरफ देख रहा है, कुछ नहीं वो अपनी मस्ती में। और सही बोले तो ना पोज ऐसे ही देना चाहिए कृष्ण के जैसे, मतलब एंजॉय करना और वो कैंडिड फोटो वैसे आते जाए। इसमें देखो हाँ अपन कोई भी कैमरा तरफ अपना ध्यान नहीं है देखो किसी का। हाँ तो देखो कितने अच्छे आते फोटो। क्या कर रही हूँ, आइसक्रीम खा रही है, केक खा रही थी तो। देखो ये भी कैंडिड फोटो कितना अच्छा है, तुम्हारा दोनों का ध्यान नहीं था। हाँ फील माय लव। ये देखो ये मेरी मौसी है, ये यानी कि मेरी दादी मौसी। हाँ और ये हमारे नेबर्स है। हाँ और ये मेरी मम्मी यानी कि काव्य की दादी, ये हमारा चिकू बेबी। कृष्णा और ये सब फैमिली फ्रेंड्स। देखो ये फोटो भी कितना अच्छा है, देखो। हाँ ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट फोटो है। ये देखो ये रे कल्याणी मैम, और मैम ने कैमरे में ही नहीं देखा, लेकिन अच्छा है ये फोटो। अभी आ
पानी का फोटो दिखाओ पापा। वाओ ये देखो, ये है सोनल दीदी की मम्मी और ये मेरी अकेली का फोटो, कितना अच्छा है। और ये मेरे कुछ क्यूट क्यूट सब्सक्राइबर्स। वाओ ये फोटो भी अच्छा है। ये देखो ये सोनल दी, ये देखो ये है ना कृष्णा का फ्रेंड है और उसकी फैमिली, और ये भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स है। और ये वाला फोटो देखो ना कितना अच्छा है, इसमें मेकअप भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और ये भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स है और ये फैमिली फ्रेंड्स है। और ये फैमिली फ्रेंड्स है। पापा दिखाओ जल्दी जल्दी। वाओ ये देखो ये फायर करते हुए फोटो है, हम ऊपर ही देख रहे हैं ना, कितना अच्छा फोटो है ये। और ये देखो ये मेरी है ना सब्सक्राइबर है, वो भी आई थी बर्थडे। और ये कौन है? कृष्णा ये कौन है? किसकी बहन है? लगा मैम को फोन लगा क्या? ये पढ़ाई नहीं कर रहा, कैसा आवाज बारीक हो गई। ये कृष्णा की मिस है। हाँ। ब्यूटी देखो ये कितना अच्छा फोटो है। गाइस वैसे आप भी बताना आपको सबसे ज्यादा अच्छा फोटो कौन सा लगा, अभी तो और फोटो बाकी है। ये भी अच्छा फोटो है बट मम्मी आप कैमरे में नहीं देख रहे, ऊपर देख रहे हो। मैं देख रही हूं, अच्छा है। ये सबसे बेस्ट फोटो है, इसको ना बड़ा कराएंगे अपन दीवार पर लगाने के लिए। यस पापा देखो ना कितना क्यूट दिख रहा है चिकू। जी ये कौन है? ए जी शर्मा वा दिखता, वही वही इसका फोटो देख के शर्मा रहा हूं। मैं मेरा फोटो देख के शर्मा रहा नहीं, वो है ना फोटो में ना वर्ल्ड का हैंडसम बॉय हैंडसम। और ये भी मेरे को सब्सक्राइबर है और ये फैमिली फ्रेंड। ये देखो ये फोटो भी कितना अच्छा है, इसको भी हम बड़ा करके दीवार पे लगा बड़ा करेंगे। ये फैमिली फोटो हमारा, देखो ये भी अच्छा फोटो है। और ये देखो ये मम्मी, ये मैं और ये नानी। और ये मेरा भाई। हाँ। मतलब मेरे मौसी का लड़का, मेरा मौसेरा भाई। हाँ। और ये मेरे अंकल आंटी मतलब पापा के भाई। और ये देखो ये मावशी है, मावशी मींस हमारी मेड। ये देखो ये मामा और चिक्कू दोनों का फोटो भी कितना अच्छा है। ये हमारा फैमिली फोटो। ये मेरी मम्मी और ये सब उनकी फैमिली। ये देखो मम्मी और मौसी दोनों सिस्टर बहने बहने सेम ही लग रहे हैं। देखो ना ये मेरी दादी और ये मेरी दादी मौसी। और ये भी फोटो चीकू का एकदम अच्छा है, देखो ये भी फोटो बड़ा करेंगे। नहीं ये वाला बड़ा करेंगे, ये वाला। हाँ। और ये देखो ये रही जानवी और उसकी मम्मी। यहाँ पे ये फोटोग्राफर है जिन्होंने ये फोटो ली और जिन्होंने ये एल्बम बना के दिया, थैंक यू भैया। ये हमारे ची बेबी का फोटो और ये ची के बेस्ट फ्रेंड का फोटो। वाओ पापा ये नेताजी का फोटो है जो इसके बैनर बनेगा और रोड के बीचों बीच लगेगा नेताजी। अच्छा लग रहा है आपका फोटो, ये मस्त फोटो है। और ये कौन है? पापा के फ्रेंड। हाँ ये मेरे फ्रेंड लोग है ये। और ये भी मेरे सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने ना ये वाली फोटो फ्रेम दी मुझे। और ये मेरे मामा लोग है सब। हाँ ये मामा लोग है सब। ये फोटो भी अच्छा है, ये फोटो भी बड़ा कराएंगे हम। ये देखो ये कैंडिडेट फोटो है, हम ना कैमरे में नहीं देख रहे थे, जो फोटो कैंडिडेट है वो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये करण भैया और ये मेरे दोनों मामी और ये मम्मी। ये अच्छा है फोटो। और ये राजू भैया है और ये चिक्कू बेटी है और बाकी ये हमारे फोटो है। हो गया खत्म। वाओ मस्त था ना। और ये लास्ट वाला ये फोटो तो ये तेरा, थैंक यू, बहुत अच्छे फोटो है यार इसमें। ये तो अभी मेरी मेमोरी बन के रहेगी, मैं सबको दिखाऊंगी ये फोटो। और ये भी देख, बहुत भारी आइडिया बताता आइडिया। ये ऐसे मिर्ची लेने की
हाथों में ना पूरा ऐसा तीखा कर लेने का और फिर जाके ना किसी के भी चेहरे पे ऐसे हाथ लगाने का और उसका लाड़ करने का। चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे अभी दूसरे वीडियो के अंदर। लाइक करो ये वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करो क्योंकि ये मेरा भी चैनल है। मैं आम खाऊंगा अभी।